वंदे मनोभावाय। सभी ईश्वर संतन को दूसरा वाणी बोल रहे हैं, जो मालवा ने बताया वही बात बोल रहे हैं। चार युग मिला सबको क्षमा दान करने के लिए, चार युग में चार कर्म दिया भगवान ने चतुर बढ़ने के साथ। तो जो लोग गलती किया है कर्म के साथ दोष होता है, दोष तो क्षमा भगवान ने किया, लेकिन कोई भगवान के नाम के विरुद्ध में बोल रहा है तो वो नाम अपराधी है। जो गुरु के साथ दुष्व्यवहार किया वो सेवा अपराधी, गुरु अपराधी और नाम अपराधी है, और वैष्णव अपराध के साथ वो जुड़ जाता है। इसलिए युग युग में भगवान आके पहले नाम दिया, सबका क्षमा कर दिया और उस नाम के साथ वो धारण करने के लिए बोला। तो सत्य युग का नाम में जिसने अपराध किया था उनको क्षमा राम जी ने किया। फिर सत्य या त्रेता युग का युग में जो गलती हुआ था उस गलती को सुधारने के लिए कृष्ण जी ने सबको क्षमा किया। तो श्री हरि ने और श्री राम के विरुद्ध और श्री कृष्ण के विरुद्ध या किसी पुरुषोत्तम के विरुद्ध अगर कोई गलती हुआ तो उसको क्षमा कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस बार जो क्षमा है वो क्षमा नहीं है, वो भी क्षमा है। मालवा ने जो दिया अभी मालवा का नाम, जगत माता जगत पिता का नाम, वो पहले सबको क्षमा कर दिया। चार युग में जो अपराधी था, जो अपराधी है और अपराधी बन रहा था, पहले तो क्षमा कर दिया सबको। उसके बाद मालवा का नाम देके बोल रहा है आप नाम करो, और इस नाम के विरुद्ध जिसने बोल दिया उनका क्षमा नहीं है, क्योंकि वो वैष्णव अपराधी, क्योंकि वो नाम अपराधी, क्योंकि वो गुरु अपराधी, क्योंकि वो सेवा अपराधी, अपना बात पित्त कब दोष और तीताप के साथ जुड़ के वो महारोग शोक भोग में पड़ जाता है। इसलिए सबके लिए वो क्षमा प्रार्थना है, सबके लिए। आप चार युग में जितना भी गलती कर लिए हो मालवा के विरुद्ध में मत जाओ। तो उसके विरुद्ध में चला गए कोई, मेरे आपने अपना एक्सपीरियंस है, अपना अभिज्ञता है, उनको बोल रहा हो मालवा के विरुद्ध में मत बोलो। आप नहीं जानते हो मालवा को, सिर्फ नाम से ही नहीं पता चलता है मालवा को, नाम से बोल रहा है ना, वो जगत माता जगत पिता है। इस युग में जो आने वाला था वही श्री श्री कल की परमेश्वर भगवान मालवा है, वो महर्षि मालवा है। अगर विरुद्ध में चला गया कोई बात तब तो नाम दोष, गुरु दोष, कर्म दोष, भक्ति दोष, सब दोष ही दोष है, उसका क्षमा नहीं है। तो जो लोग क्षमा मांग रहा है उनका क्षमा होता है, जो लोग क्षमा नहीं मांग रहा है उसका दोष भी पता नहीं है, उनका क्षमा कैसे होगा। वो चार युग का अपराधी है, हरि का अपराधी जो था राम जी ने क्षमा कर दिया, हरि और राम का जो अपराधी था कृष्ण जी ने क्षमा कर दिया, कृष्ण राम हरि का जो अपराधी है चैतन्य महाप्रभु ने नाम दे के क्षमा कर दिया, अभी मालव बाबा नाम दे के सबको क्षमा करके नाम दिया, और इस नाम के विरुद्ध में जो बोलेगा वो तो नहीं रहेगा इस युग में। इसलिए सबको क्षमा दृष्टि से नहीं, इस बार भाव दृष्टि से, भक्ति दृष्टि से देखना है। भगवान स्वयं आया है जगत माता जगत पिता के रूप में, जिसको क्षमा चाहिए वो क्षमा मांगे फिर दिया जाएगा। जो अपना भूल को नहीं जानता है, अपना भूल सुधार नहीं सकता है, उनका क्षमा कैसे होगा। तो सबके लिए मैं भी क्षमा मांग रहा हूँ, सबके लिए। चार युग में जो अपराध किए उनका क्षमा किया दिया गया है, और 24 तक किया जाएगा, 24 तक किया जाएगा, उसके बाद नहीं। इस 24 के अंदर 23 खत्म होने के बाद से क्षमा बंद हो जाएगा, उसके बाद तांडव लीला है, संभल के रहिए। और जिसने जिसने चार युग में जितना अपराध किया है मालवा ने क्षमा कर दिया, आज द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन भी। तो बोल रहे सबके लिए नाम करो, नाम करो, नाम चिंत सार, नाम छोड़ के कुछ नहीं है संसार जीवन सकल असार। सर्वधर्म परित्याजं मालवावायं आत्मसमर्पणं स एव वैष्णवाचारो काम संकल्पवर्जितं नामस्य भोजनं देवीना स्त्रिय मानस्य शरणात् न परद्दो वे लोभं सत्त न भोगं मनस्य शरणात्। वंदे मालवावायं, वंदे मालवावायं, वंदे मालवावायं। सबको मालवा ने क्षमा कर दिया, लेकिन आप मालवा के विरुद्ध में बोलेगे तब वो दोष हो जाता है, तब क्षमा नहीं है। तब तो 1008 दिन के अंदर ही पता चल जाता है, 108 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर पता चलता है आपका शरीर का प्रॉब्लम, आपका मन का प्रॉब्लम, आपका आत्मा का वो खाए होने वाला तथ्य। तो संभाल के रहिए, मालवा के विरुद्ध में कुछ मत बोलिए। कोई बोलेगा उनके लिए क्षमा प्रार्थना करो। वंदे मालवा भाई।